नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस पौधे की फायदा वैसे बताने की जरूरत नहीं है, प्रायः हर कोई इसके फायदे से अवगत होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो में दिखाए जा रहे पौधे भृंगराज के हैं, इसे महाभृंगराज के नाम से भी जानते हैं। तो आयुर्वेद में दोस्तों इसका प्रयोग खासकर बालों संबंधी समस्या के लिए, चोट के लिए, पुराने घाव के लिए, बाल पक रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल अगर उम्र से पहले सफ़ेद हो चुके हैं तो सफ़ेद बालों को काला करने में इसका प्रयोग किया जाता है। भृंगराज का वैसे बहुत सारा प्रयोग होता है, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन करता हूं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं आयुर्वेद के संबंध में बहुत सारे वीडियो डालता हूँ जो कि आपको तुरंत मिल पाए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, भृंगराज एक ऐसा कल्प है, एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो कि लीवर से लेकर के आपके हर प्रकार की बीमारी को क्षण भर में ठीक कर सकता है, और खासकर बालों के लिए इसका प्रयोग काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। तो बारी बारी से इसका फायदा बताऊंगा। आप किसी पेन या कॉपी रख लीजिए और उसमें जितने भी फायदा बता रहा हूँ नोट करके रखें, ताकि आने वाले टाइम में आपको ये फायदा पहुँचा सकते हैं। सबसे पहले यह शरीर की इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, और खासकर अभी आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस जिनके इम्यूनिटी सिस्टम कम है उन्हें ज़्यादा हो रही है, तो इसमें आपको काफ़ी फायदा मिलेंगे। आपको करना क्या है, ये देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से पौधे। तो दोस्तों इसका आपको जड़ से ही उखाड़ करके पाउडर तैयार कर लेना है, और इसके पाउडर को एक चम्मच की मात्रा में आधा गिलास गुनगुने पानी में डाल करके पीना है। जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है बिल्कुल ही इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएंगे। इम्यूनिटी पावर की कमी के कारण ही सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे समस्या आती हैं। इसके बाद दोस्तों ये क्या करता है, जैसे कि पुराने घाव हैं वहाँ पे भी, जी हाँ, पुराने घाव में अगर इसके पत्ते का पेस्ट बना करके लगा दिया जाए तो पुराने घाव ठीक हो जाते हैं, फैटी लीवर में, पीलिया के बीमारी में। देखिए इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि लीवर और पीलिया जैसे भयानक जो बीमारी रहते हैं उसे ठीक करने का काम करता है। तो सेवन विधि किस तरह से करना ध्यान से सुनिए। आप एक दिन में दो बार भृंगराज की खुराक ले सकते हैं, इसका गोली आते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसके जो पत्ते होते हैं इसे सुखा लीजिए, सुखा करके पाउडर बना लीजिए, और एक से दो महीने तक कम से कम आपको इसे आधा चम्मच इसके पाउडर को आधा गिलास गुनगुने गर्म पानी में डाल करके पीना है। बिल्कुल पीलिया की बीमारी के लिए तो बेस्ट है, वैसे 10 से 12 दिनों में पीलिया की बीमारी ठीक हो जाते हैं, फैटी लीवर है उसके लिए भी ये बेस्ट दवा है, यही प्रयोग करना है आपको। इसके बाद दोस्तों जैसे कि कब्ज है, भूख नहीं लग रहे हैं, पेट में कई तरह के समस्या हैं, परेशानी है, अपच है, तो इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। भूख की कमी के लिए, एसिडिटी के लिए ये बहुत ही बेस्ट दवा है। देखिए इसके पाउडर बना करके आपको सुखा लेना है, और आधा चम्मच की मात्रा में इसमें आपको दोस्तों शहद भी डाल करके खाली पेट में पीना होता है, बिल्कुल ही आपको जल्द से जल्द भूख लगेंगे। जिन्हें भूख नहीं लगता उनके लिए बेस्ट दवा है, ना किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट है, ना किसी भी प्रकार का कोई खतरा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका मार्केट में तेल आता है, मार्केट में इसका कैप्सूल आता है, और मार्केट में दोस्तों इसका पाउडर भी आता है, बहुत सारे इसके बीमारी में भी प्रयोग करते हैं। बारी बारी इसमें आपको इसका पाउडर का प्रयोग विधि बताऊँगा। पाउडर का प्रयोग किन लोगों को करना है, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, जो कि थोड़े थोड़े समस्या आ जाने पर बीमार पड़ जाते हैं उनके लिए, तो इनके पाउडर को आप जब भी प्रयोग करें ना तो आपको खाली पेट में करना है, बेस्ट है रिजल्ट के लिए। एक गिलास गुनगुने गर्म पानी में आधा चम्मच इसके पाउडर को डाल करके पीना है, जिनकी उम्र 18 से ऊपर है वो बिल्कुल ही ये प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, कभी भी आपको बीमार पड़ने नहीं देते। दूसरा, जिनके बाल गंजेपन हो चुके हैं, तो गंजेपन के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको करना क्या है, मार्केट में वैद्यनाथ कंपनी में इसका तेल मिलते हैं, अगर आपको वैद्यनाथ कंपनी से बेस्ट कोई और कंपनी देर है तेल तो ले सकते हैं, लेकिन प्योर भृंगराज तेल होना चाहिए, महाभृंगराज के नाम से आते हैं तेल, सर्च करके गूगल में एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो करना क्या है, इसके तेल को जैसे कि आप नॉर्मल तेल लगाते हैं बालों पे, तो नॉर्मल तेल मत लगाइए, इसके तेल को लगाइए, बिल्कुल ही आप देखेंगे, अगर आपके बाल उम्र से पहले झड़ रहे हैं, बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो चुके हैं, तो सफ़ेद हुए बाल अगर इसका एक से डेढ़ महीने तक प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ही काला होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, और साइड इफेक्ट ना के बराबर, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करते। इसका जूस भी आते हैं मार्केट में बना बुना, इसके जूस को भी आप जो है एक से दो चम्मच की मात्रा में एक गिलास पानी में डाल करके खाली पेट में पी सकते हैं। इसके पाउडर आते हैं, बहुत से लोग बोलेंगे कि सर मैं शहर से हूँ तो मुझे, मतलब मैं बड़ा सिटी से हूँ तो मुझे कहाँ मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा भृंगराज का कैप्सूल भी आता है, प्योर आयुर्वेदिक कैप्सूल है, एक से दो कैप्सूल आपको पानी के साथ में से डाल करके सेवन करना होता है। इससे ये फायदा है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, अगर आपको कमजोरी रहता है, आलसपन है, सुस्त है, बाल झड़ रहे हैं, तो बाल के झड़ने को भी इसका जो कैप्सूल होता है रोकने का काम करता है, उम्र से पहले सफ़ेद बालों को काला करता है, बहुत सारे बीमारी में छलने हैं, कटने हैं, बहुत सारी बीमारी में, मधुमेह में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। मधुमेह की जो बीमारी ना उसमें अगर इसका टेबलेट खाया जाए डेढ़ से दो महीने तक तो मधुमेह की बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। तो ये थे कुछ छोटे से जानकारी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।